लोक आस्था का महापर्व यानी छठ पूजा की तैयारी पूरे राजधानी रांची में धूमधाम से की जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं रांची नगर निगम में, जहां की नगर आयुक्त शशि रंजन से बातचीत करेंगे कि किस तरीके से सभी घाट पे साफ़ सफाई की जा रही है, कितने कृत्रिम घाट बनाए गए हैं, किस तरीके से काली पूजा जो समाप्त हुई है उसकी विसर्जन सामग्री को किस तरीके से साफ़ सफाई कर जो है स्वच्छता, क्योंकि स्वच्छता सबसे ज़्यादा देखी जाती है तालाब में, जितने भी कृत्रिम तालाब बनाए जाते हैं उसमें। तो सीधे जुड़ते हैं नगर आयुक्त शशि रंजन से और जानते हैं कि किस तरह की तैयारियां और क्या कुछ संदेश उनकी ओर से, नगर निगम की ओर से राजधानी रांचीवासियों को दी जा रही है। देखिए, छठ जो है लोक आस्था श्रद्धा का पर्व है, इसकी तैयारी रांची नगर निगम द्वारा की जा रही है, काफ़ी ज़ोर शोर से और काफ़ी मेहनत से की जा रही है। इसमें पूरे नगर निगम क्षेत्र में करीब 70 जलाशयों को चिन्हित किया गया, जहाँ पर छठ पूजा बड़े पैमाने पर होती है। तो सभी जो जलाशय हैं उसकी साफ़ सफाई हुई, उसके आसपास के एरिया का साफ़ सफाई, वहाँ पर जो ब्लीचिंग या चूना का छिड़काव वगैरह वो सब किया गया है। इसके अलावा इन सभी जगहों पर प्रकाश लाइट की व्यवस्था नगर निगम द्वारा की जाएगी, ताकि श्रद्धालुओं को रात के अंधेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसके अलावा जो हमारे जो सुपरवाइज़र हैं और जो पदाधिकारी हैं, उनको भी कार्य क्षेत्र का बंटवारा किया गया, ताकि वो अपनी निगरानी में सभी कार्यों का सुचारू रूप से संपादन करें। इसके अलावा जो जिला प्रशासन है, DC सर हैं, SSP हैं, उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन के बनाकर नगर निगम के जो पदाधिकारी वो कार्य कर रहे हैं, और सुरक्षा व्यवस्था भी उनके द्वारा देखा जा रहा है, और जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ NDRF की टीम की नियुक्ति भी जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है, और जो लोकल लेवल पे जहाँ पर गोताखोर उपलब्ध हैं वहाँ पर भी उनकी तैनाती की जा रही है। तो कुल मिला के एक जो पूरी व्यवस्था एक छठ महाव्रत पूजा के संचालन को लेकर रहती है, तो सभी विभागों में सभी के साथ, सभी पदाधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर रांची नगर निगम एक टीम भावना के साथ काम कर रही है, और ये जो पर्व है छठ पूजा का पर्व है काफ़ी अच्छे तरीके से संपन्न हो जाएगा, ये मेरी आशा है। सर, एक चीज़ देखा जा रहा है कि काली पूजा जो विसर्जन हुआ है या लक्ष्मी पूजा, गणेश भगवान की जो मूर्ति है, कई सारे चीज़ जो है वेस्ट मटेरियल फेंकते हैं, तो लोगों को क्या संदेश रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो जी, ये जो है हम लोगों के लिए भी काफ़ी एक चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि त्योहारों का मौसम है, दीपावली दशहरा से लेकर अगर आप देखें दीपावली और उसके उपरांत भी काफ़ी जगह पर जो विभिन्न पूजा होती है, उनके जो पूजा सामग्री हुई, मूर्ति हुआ, उसका विसर्जन जलाशयों में होता है। तो हम लोगों ने ऐसे सभी जलाशयों पर एक स्थान चिन्हित किया है, जहाँ विसर्जन कुंड, जहाँ पर वो विसर्जित कर सकते हैं, ताकि जो पूजा सामग्री है जो उसको हम लोग नगर निगम के जो कर्मी हैं वह उसको वहाँ से निकाल कर साफ़ सुथरा कर सके। तो मेरा यही आग्रह रहेगा कि जो भी पूजा के उपरांत जो सामग्री है विसर्जन, एक जो निर्दिष्ट स्थान है जलाशय के, वहीं पर आप करेंगे तो हम लोगों को काफ़ी आसानी होगी, और चूँकि उनको पर्यावरण और जो जल है उसकी भी शुद्धता हम लोगों को बरकरार रखनी है, तो ये हम लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाए।